भोपाल के बेरसिया में एक समाजसेवी परिवार करीब 150 साल से लोगों को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के गणेश की प्रतिमा बनाकर निःशुल्क देता चला रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाजसेवी दीपक दुबे भी लोगों को पार्थिव भगवान गणेश की प्रतिमा देते आ रहे हैं। दीपक दुबे ने बताया कि भगवान गणेश की प्रतिमा को हम खेत के चारों कोनों की शुद्ध मिट्टी और गाय के गोबर एवं गौमूत्र से मिलाकर तथा अभिमंत्रित कर शास्त्रों के अनुसार करीब 6 इंच की प्रतिमा बनाकर भक्तों को देते हैं। पहले तो 50 से 60 प्रतिमाएं हम लोगों को देते थे, लेकिन अब लोगों में पर्यावरण को लेकर जागृति बढ़ी है तो मांग भी बढ़ी है। हम कोई शुल्क नहीं लेते, ये पार्थिव भगवान गणेश की प्रतिमा है, हम निःशुल्क ही लोगों को देते हैं। पार्थिव श्री गणेश जी की जो प्रतिमा हम बनाते हैं वो लगभग हमारे यहाँ 150 वर्ष पुरानी ये परंपरा हमारे पूर्वज द्वारा शुरू की गई थी और इस परंपरा को अभी भी हमने कायम रखने की कोशिश की है। पहले लगभग 50 से 60 लोग ले जाते थे, लेकिन जब से पर्यावरण की रक्षा और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के संबंध में जागृति फैली है समाज में, तो लगभग हम 200 पार्थिव जो गणेश जी की प्रतिमा लोगों को बनाकर अपने हाथों से शुद्ध रूप से बनाकर हम देते हैं। और इस ये खेत की चाड़ों मेड़ की जो मिट्टी होती है उसको एकत्रित करते हैं, साथ में गाय का गोबर गौमूत्र मिलाकर अभिमंत्रित मिट्टी होती है और बड़ी शुद्धता से हम इसको बना के देते हैं। और जो शास्त्रों में लिखा है कि जो गणेश जी की मूर्ति जितने इंच तक स्थापित की जाती है, लगभग 6 इंच की जो प्रतिमा है वो 6 इंच की रहती है और इसका स्थापित हम जो भक्तगण स्थापित करते हैं उसको इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। और मेरी भी यही लोगों से एक संदेश है कि वे मिट्टी के ही गणेश जी अपने घर में विराजमान करें और उनकी पूजा करें। रिद्धि सिद्धि के दाता आपको इस पूजन से आपको सद्बुद्धि देंगे, बुद्धि देंगे और हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होगी और जो हमारे लोगों में जागृति फैलाई जा रही है उसकी तरफ एक ये सकारात्मक प्रयास है।